अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको मास्क बताने जा रही हूँ वह फेस रिफ्रेशिंग मास्क। अगर आप हमेशा फ्रेश दिखना चाहती हैं, अपने फेस पे ग्लो चाहती हैं, तो ये मास्क परफेक्टली आपके लिए है। मास्क बताने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं मास्क के साथ। ये मास्क जो है बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील देगा आपको, आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, हर वक्त फ्रेश लगेगा। समटाइम होता है, आपने देखा होगा कि हमारा फेस बहुत डल लग रहा होता है, हम इवन के फुल एनर्जी में भी होते हैं, देन भी हमारा फेस होता है वो लुक नहीं दे रहा होता जो हमें चाहिए होती है। सब हमें कहते हैं तुम्हारा चेहरा मुरझाया ऐसा लग रहा है, वो इसकी वजह यही है कि हम अपने फेस पर त्वचा नहीं देते। ये मास्क जो है ये आपके फेस के ऊपर रिफ्रेशनेस लेकर आएगा, आपको हमेशा एक्टिव फील करवाएगा। इवन कोई भी आपको देखेगा तो वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रहेगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के साथ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें लेना है वो है मिंट लीफ। मिंट लीफ जो है ये आप देख रहे हैं, मैंने इनको सुखा लिया था। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फ्रेश यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आपने इसे सुखा लेना है। सिंपली सारे आपने लीव्स को ब्रेक करके और आपने धूप में रख देना है, और धूप में रखने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इनको प्रिजर्व कर लेना है, जैसे मैंने इन्हें प्रिजर्व कर लिया था। मिंट लीफ है उसकी स्किन की प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये वेरी यूजफुल टू ब्राइटन योर कम्प्लेक्शन, मेक यू फील रिफ्रेश एवरी टाइम। ये आपके ब्लिमिशेस को, आपके रिंकल्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज होती चली जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे फेस पे कोई ना कोई रिंकल, ब्लैक हेड्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, ब्लिमिशेज आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन मिंट के अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती है कि आपकी उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है और आपको हमेशा यंग फील करवाता है, रिफ्रेश फील करवाता है, आपकी फेस जो है वो ग्लो करती है हर टाइम पे। ज़रूरी नहीं है कि जब आप मेकअप करेंगे आप तभी ग्लो करेंगी, ऐसा नहीं है, आप विद और मेकअप भी ग्लो करेंगी इस मास्क के साथ। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। इस सेकेंड जो आपने लेना है वो है बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके स्किन से ऑयल को पुल आउट करने में। ये तमाम डर्ट पार्टिकल्स को आपके पोर्स के अंदर से रिमूव कर लेता है इजीली। इवन अगर नॉर्मल सोप यूज़ करने से हमारे डस्ट पार्टिकल इतने अच्छे रिमूव नहीं हो पाते, लेकिन बेसन के अंदर जिसे हम ग्राम फ्लोर भी कहते हैं, ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि आपके ऑयल को बहुत अच्छे से रिमूव कर लेता है, आपके फेस को जो होता है एक रिफ्रेश लुक देता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा ये जो है आपके एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर देता है। ये किसी भी एज की गर्ल जो है ये मास्क यूज़ कर सकती हैं। ये टीन एज, मिडिल एज, यंग एज, ओल्ड एज, किसी भी एज ग्रुप में आप फॉल कर रहे हैं आप इस मास्क को यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि हम एवरी एज में वी वांट टू लुक रिफ्रेश एंड ग्लोइंग फेस। थर्ड इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें लेना है वो है वाइटामिन ई के कैप्सूल। ये एवियन के कैप्सूल है, इसके अंदर वाइटामिन ई है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपने इस मास्क में ये वाले वाइटामिन ई के कैप्सूल यूज़ करने हैं। आप जो मार्केट से हमें लोकल मिलते हैं आपने वो वाले यूज़ नहीं करने, आपने एवियन के कैप्सूल ही लेने हैं इस मास्क के लिए। जो इसके अंदर जो वाइटामिन ई है, बेसिकली एवियन है ही वाइटामिन ई, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में, उसकी नरिशमेंट करने के अंदर। ये आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है और हेल्दी बनाता है। बेसिकली हमारे स्किन के सेल जो एक्टिवेट होंगे, एनर्जाइज होंगे, देन ही हमें एक रिफ्रेशिंग लुक आएगी। बिकॉज हमारे जो स्किन के सेल होते हैं वो बेसिकली डल हो जाते हैं, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहते, जिसकी वजह से हमारे फेस पे जो होता है रिंकल्स आ जाते हैं, ब्लिमिशेज आ जाते हैं, और हमारा फेस जो होता है वो थोड़ा एजड लगना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो मास्क है ये आपके बिल्कुल उन प्रोसेस को रिवर्स कर देगा। ये मास्क जो है आपके फेस में जो जितने भी स्किन सेल हैं उनको एक्टिवेट करेगा, एनर्जाइज करेगा, आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा और आपके तमाम रिंकल, ब्लिमिशेस वगैरह को कंट्रोल कर लेगा। आप इवन जब भी उठेंगी, जब भी देखेंगे और मेकअप भी, आपको अपना फेस जो है वो रिफ्रेश नज़र आएगा और ग्लोइंग नज़र आएगा। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके। इस मास्क के लिए आपने 2 टेबल स्पून लेना है बेसन यानी ग्राम फ्लोर, 1 टेबल स्पून आपने मिंट लीफ लेने हैं, आपने 1 टेबल स्पून लेना है, उसके अंदर मिंट लीफ को ऐड कर लेना है, और 1 एवियन का कैप्सूल लेना है। जब आप मिंट लीफ लेंगी तो ऑटोमेटिकली जब आप उसका पाउडर बनाएंगी तो इस फॉर्म में आ जाएगा। सिंपली आपने मिंट लीफ लिए और आपने इसे ऐसे मसलना है अपने हाथ से, तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने कर लिया है, आपने भी इसे बिल्कुल ही ऐसे अपने हाथ से मसलेंगी तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही आप इसे मसल रही होंगी आपको खुद बहुत एक अच्छा जो है खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मिंट लीफ की होती है। आप खुद जो है अभी मास्क लगाने से पहले ही आप खुद रिफ्रेश फील होना शुरू हो जाएंगी। चलिए जी, अब मैं तीनों इंग्रेडिएंट को आपस में करती हूँ मिक्स।
चले जी, ये देखिए मैंने तीनों को ऐड कर लिया है। ये है बेसन, ये है मिंट लीव और ये है एवियो का कैप्सूल। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। अब क्योंकि हमने पेस्ट बनाना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी पानी की, तो पानी जो है मैं एज रिक्वायर्ड इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि अच्छा सा जो है पेस्ट बन जाए। पानी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि ये ना हो, ये बहुत ही पतला हो जाए और फेस पर अप्लाई ना हो सके। ये बहुत अच्छा मास्क है, हर एज ग्रुप के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी फेस को हमेशा रिफ़्रेश रखता है, एक हेल्दी लुक देता है, आपका फेस हमेशा ग्लो करता है। मेन बात होती है हमारा फेस जो है रिफ़्रेश फील भी होना चाहिए, इसे हमें नहीं दूसरों को भी लगे कि वाकई रिफ़्रेशिंग फेस है, देख के हमें अच्छा लगता है। क्योंकि काफ़ी बार डल फेस होते हैं तो लोग कहना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं लगता तुम्हें कोई मसला है, कुछ ये है, कुछ वो है, कुछ सो बातें करते हैं लोग। तो अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने इस मास्क को अप्लाई करना है और आपने रिफ़्रेश फील करवाना है सबको। बल्कि रिफ़्रेश रहना भी है, क्योंकि जब आप मिंट लीव को क्रश करेंगी तो ऑटोमेटिकली आप रिफ़्रेश फील करना शुरू कर देंगी, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपको रिफ़्रेश फील करवाएगी। ये देखिए जी, ये मास्क है, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आपने पीछे से मास्क मिक्स कर लेना है, मेक श्योर करना है कि इसके अंदर जो है कोई भी लम्स ना रह जाए। इसकी थिकनेस जो है वो ऐसी रहेगी, एक थिक पेस्ट की फॉर्म में, ताकि हमारे फेस पे जो है ये टिका रहे। ये मास्क जो है आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है, साथ साथ अपनी नेक पे भी अप्लाई करना है। इस मास्क को अप्लाई करने के बाद आपने 20 मिनट्स के लिए अपने फेस को छोड़ देना है। 20 मिनट्स के बाद आपने जाके टैप वाटर के साथ अपने फेस को वॉश करना है और फिर आप देखिएगा कि आप खुद बहुत रिफ़्रेश फील करेंगी, ग्लोइंग फील करेंगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि वाकई मैंने कुछ बहुत अच्छा सा अपने फेस पे अप्लाई किया था और मुझे अच्छा फील हो रहा है, मेरा फेस जो है वो ग्लो कर रहा है, रिफ़्रेश लग रहा है। ये मास्क जो है आपने वीक में वन टाइम ज़रूर अप्लाई करना है। कंसिस्टेंट रिजल्ट के लिए आपने इस मास्क को 2 मंथ अप्लाई करना है, यानी हर वीक आपने अप्लाई करना है और 2 मंथ तक आपको परमानेंट रिजल्ट विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वन टाइम मास्क नहीं है कि आपने एक दफ़ा लगाया उसके बाद आप छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। आपने अपनी खूबसूरती का, अपनी फ्रेशनेस का आपने खुद ख्याल रखना है, क्योंकि हम तभी कॉन्फिडेंस फील करते हैं जब हम खूबसूरत दिखते हैं, रिफ़्रेश दिखते हैं और ग्लोइंग दिखते हैं। सो आपने मास्क ज़रूर अप्लाई करना है वीक में एक दफ़ा, बहुत ईजी है इसे अप्लाई करना और बनाना भी बहुत ईजी है, सब कुछ किचन में ईजी अवेलेबल हो जाता है। आपने इस मास्क को ज़रूर यूज़ करना है। अगेन बता रही हूँ आपके अपने इसके अंदर विटामिन ई का जो कैप्सूल वो एवियन की फॉर्म में यूज़ करना है, आपने दूसरे जो है विटामिन ई के जो कैप्सूल मिलते हैं वो यूज़ नहीं करने, आपने एवियन वाला कैप्सूल यूज़ करना है। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपने मेरी वीडियो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा लोगों से शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।